अगस्त 2019 मकबूजा जम्मू और कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन महीना है, जिसमें आरएसएस की पार्टी बीजेपी ने अपने तौसी पसंदाना मकरू अजाइम की तकमील के लिए पहले अपनी इतिहादी पार्टी पीडीपी से इतिहाद खत्म किया और जब मकबूजा जम्मू और कश्मीर की तमाम सियासी पार्टियों ने मिलकर भारतीय हुकूमत के अजाइम को नाकाम बनाने के लिए मुतहिदा हुकूमत बनाने का फैसला किया तो काबिज भारतीय हुकूमत खौफजदा हो गई। उसने फौरी फैसला करते हुए रियासत जम्मू और कश्मीर में गवर्नर राज नाफिज कर दिया, तमाम सियासी रहनुमाओं को फौरन भारतीय जेलों और घरों में कैद कर दिया। रियासत में फौज ने इंतजाम संभाल लिए, कर्फ्यू का निफाज करके कश्मीर का राब्ता पूरी दुनिया से मुनकता कर दिया गया। मैं एक साल से भी ज्यादा अरसे के बाद रिहा हुई हूँ। इस दौरान 5 अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पे वार करता रहा और मुझे एहसास है कि यही कैफियत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की रही होगी। हम में से कोई भी शख्स उस दिन की डाकरजनी और बेइज्जती को कतन भूल नहीं सकता। अब हम सबको इस बात का इरादा करना होगा कि जो दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया, उसे वापस लेना होगा। बल्कि उसके साथ साथ मसले कश्मीर, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में हजारों लोगों ने अपनी जानें निशावर की, उसको हल करने के लिए हमें अपनी जदोजहद जारी रखनी होगी। ये राह कतन आसान नहीं होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि हम सबका हौसला और अजम ये दुश्वार रास्ता तय करने में हमारा मौविन होगा। मैं चाहती हूं कि जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग मुख्तलिफ जेलों में बंद पड़े हैं, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। गुज़श्ता 14 माह से कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सरबराह और कारकुनान और दीगर सियासी जमातों के हजारों कारकुन मुसलसल कैद हैं, लेकिन सरकारी तौर पर इसका ऐलान नहीं किया जा रहा। भारतीय मीडिया ने मालूम जराये के मुताबिक भारतीय हुकूमत का चेहरा बेनकाब कर दिया। हम अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं जानते कि धारा 370 हटाने के बाद कितने राजनेता नजरबंद किए गए, कहां कहां की जेलों में बंद किए गए। 18 अगस्त 2019 के हिंदू अखबार की खबर है कि 4000 गिरफ्तार हुए हैं। 5 सितंबर 2019 के इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि 5 अगस्त से पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत 290 लोग बंद किए गए हैं। नवंबर 2019 की वायर की खबर है कि केंद्र ने कहा है कि अगस्त के बाद से 5161 लोगों को हिरासत में लिया गया है। नवंबर 2019 में द प्रिंट की खबर है कि 177 नेताओं में से सिर्फ एक बीजेपी का है जिसे नजरबंद किया गया। 1 जनवरी 2020 की इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि 2019 में 600 से ज्यादा लोगों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया, यानी अलग अलग संख्या है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के रिहाशुदा सियासी रहनुमाओं ने मुत्तफिका तौर पर फैसला किया है कि वो आइंदा मिलकर जद्दोजहद करेंगे ताकि मकबूजा रियासत जम्मू और कश्मीर की 4 अगस्त 2019 वाली पोजीशन बहाल की जा सके। महबूबा जी जो ये बंद थे 14 महीने से, इनको रिहा किया है कि जो आईनी सूरत हाल थी 5 अगस्त को पिछले साल, उसको बहाल किया जाए। हमारी जद्दोजहद जो है वो इसी पर मबनी है कि रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को वापस जो है सारे हकूक दिए जाएं जो हमारे से छीने गए, और इसके साथ साथ हमारे जो सियासी मसला है वो जम्मू कश्मीर का अभी भी साबिर उसकी हल अभी नहीं हुआ, हल तलब है। उसके लिए भी हम चाहते हैं कि कदम उठाया जाए कि इसका सियासी हल जो है वो ढूंढा जाए। फाशिस्ट भारत के तौसी पसंदाना अजाइम और सबका रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए यकीन किया जा सकता है कि इस इजलास के बाद वो इन रहनुमाओं के खिलाफ घटिया हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। लेकिन शायद अब कश्मीरी सियासी रहनुमा जो कभी भारत नवाज से इतनी बार धोखा खाने के बाद महबूबा मुफ्ती की तरह कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह के दो कौमी नजरिए पर गौर करते हुए आजादी का रास्ता इख्तियार करेंगे। तरीका कुछ भी हो सकता है।